वसुबारसचे प्रसन्न वात्सल्य धनत्रयोदशीची संपन्न संपत्ती नरश चतुर्दशीची अपार शक्ती लक्ष्मी पूजनाचे सौंदर्य वैभव पाडव्याचे भरभरून प्रेम आणि विद्यार्थी व समस्त दिग्रस्करांना शुभ दीपावली निमित्त सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा शुभेच्छा शुभेच्छुक डॉक्टर संजय पंक अध्यक्ष विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय आर्वी हेरिटेज टॉपस इन्स्टिट्यूट केजी सर्वेने प्राथमिक शाळा व विद्याभारती इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय दिग्रस। विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल कृष्ण भूमि में राज गरबा के औचित्य पर नारी शक्ति के सम्मान में गरबा राज स्पर्धा और आनंद सम्मेलन का भव्य दिव्य आयोजन किया गया उत्कृष्ट राज गरबा प्रदर्शन पुरस्कार वितरण खान पान और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरपूर यह रंगारंग आयोजन बेहद अद्भुत साबित हुआ पेश दीगर संवाददाता जुबेर खान की एक खास रिपोर्ट आधुनिक दौर में भले ही गरबा नृत्य को फैशन और स्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा हो फिर भी देवी मां के नाम पर खेले जाने वाले गरबा इस नृत्य का एक अलग धार्मिक महत्व है भाविकों की धारणा है कि मां अम्बी को गरबा नृत्य बेहद पसंद है जिस वजह से माता रानी के नाम पर बड़े ही श्रद्धा भाव से गरबा खेलने की परंपरा है ऐसा माना जाता है कि गरबा नृत्य से माता प्रसन्न होती है गरबा रास सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं बल्कि भारत देश के अलावा यह खेल दुनिया भर में उत्साह के साथ खेला जाता है रास गरबा के औचित्य पर नारी शक्ति के सम्मान में गरबा रास स्पर्धा और आनंद सम्मेलन का भव्य दिव्य आयोजन विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल कृष्ण भूमि में किया गया कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन व शारदा सतवाड़ा सरस्वती पूजन किया गया कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के बाद दांडिया रास स्पर्धा का आगाज किया गया जिसमें शहर के विभिन्न गरबा ग्रुप के सदस्यों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया इस मौके पर कुल तीस दांडिया ग्रुप ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए दर्शकों का मन मोह लिया स्पर्धा के रोचक मुकाबले में खुले गुट से रू डांस एकेडमी ने सात हजार रूपए का प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया वहीं आर्या डांस एकेडमी ने द्वितीय स्थान हासिल कर पाँच हजार रूपए का पुरस्कार प्राप्त किया वहीं तीन हजार रूपए का तीसरा पुरस्कार विद्या भारती स्कूल के शिक्षकों ने अपने नाम किया इसके साथ ही पांचवी ऐसी दसवीं कक्षा गुट में ऐसी सिद्धि ग्रुप ने प्रथम स्थान पांच हजार रूपए की नगद राशि जीत ली कच्छ द्वितीय स्थान पर कब्जा जमाते हुए का पुरस्कार प्राप्त किया वहीं जय श्री राम ग्रुप ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए दो हजार रूपए का इनाम अपने नाम किया इसी तरह से के जी वन से चौथी कक्षा की गुट में तीन हजार का प्रथम पुरस्कार दांडिया रॉयल्स दो हजार रूपए का द्वितीय पुरस्कार गरबा ग्रोव ने जीता वहीं गरबा क्वींस ने तीसरा स्थान हासिल किया इस मौके पर प्रोत्साहन के रूप में विद्या भारती शिक्षिका बाहुबली ग्रुप कच्छ ग्रुप को प्रत्येक ग्यारह सौ रूपए की राशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि जिजाऊ ब्रिगेड डॉक्टर एसोसिएशन इन व्हील क्लब महेश्वरी समाज महिला मंडल सहित दीग्रस के लगभग सभी स्कूलों के मुख्य अध्यापक और आठ से दस हजार अभिभावक उपस्थित थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्या निकेतन स्कूल के मुख्य अध्यापक निवृत्ति ढोडरे नितिन राउत विलास राउत आदि सहित विद्या भारती इंग्लिश स्कूल के मुख्य अध्यापक हेमन डूबे आरवी हेरिटेज पूर्व प्राथमिक स्कूल की मुख्य अध्यापिका शीतल कन्नावार और समस्त शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों ने काबिले तारीफी योगदान दिया इस कार्यक्रम में विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल के अध्यक्ष डॉ संजीव बंग ने अपने भाषण में नारी शक्ति की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं आज की महिला आर्थिक सामाजिक पर न सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि उसकी अपनी स्वलम्बन की एक विचारधारा है अपने घर और कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाना वह बखूबी जानती है खुद की मेहनत और काबिलियत पर वह जिंदगी जी समाज को सक्षम बना रही है आज की नारी सही मायनों में त्याग और समर्पण की मूरत है बहरहाल गरबा स्पर्धा के साथ ही यहाँ आओ शान से खाओ जी जान से इस शीर्षक के तले आनंद सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों स्पर्धकों अभिभावकों सहित शिक्षक और कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर इस आयोजन का आनंद उठाया कुल मिलाकर विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल द्वारा आयोजित यह आयोजन रंगारंग अद्भुत और काबिले तारीफ रहा एनबीसीएन न्यूज के लिए दीग्री जुबेर खान की रिपोर्ट